तो अगर आप भी अपने डिवाइस में यहाँ पे रियल साउंड जो है टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करना चाहते हैं अपने रियलमी या फिर ओप्पो की डिवाइस में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं बताने वाला हूँ आप अपने रियलमी एंड ओप्पो के डिवाइस में रियल साउंड टेक्नोलॉजी वाले फीचर को कैसे इनेबल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस फीचर को इनेबल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आप म्यूजिक यहाँ पे जो है अगर आप जब भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको एक नया अपग्रेड जो है यहाँ पे साउंड देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये फीचर काफी ज्यादा हेल्प करेगा जब आप अपने जो है डिवाइस में कोई भी साउंड को प्ले करेंगे सुनेंगे। और ये फीचर आपको रियलमी के डिवाइसेस में जो है देखने को मिल जाता है। तो कैसे इस फीचर को इनेबल करना है इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अगर आप रियलमी या फिर ओप्पो का डिवाइस यूज करते हैं और म्यूजिक जो जनरली आप प्ले करते ही होंगे, और आपको उस म्यूजिक को प्ले करने में और भी अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब सुनने का और भी अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ पे एक फीचर मिलता है रियल साउंड टेक्नोलॉजी का। इस फीचर को इनेबल करके आप अपने जो साउंड क्वालिटी है उसको ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये फीचर काफी हेल्प करेगा जब भी आप इस जो है यहाँ पे जब भी आप अपने डिवाइस में म्यूजिक को प्ले करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं बताता हूँ इसके लिए आपको करना क्या होगा इसको एक्टिव करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की जो है सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ साउंड एंड वाइब्रेशन का, आपको सिंपल इस पर टैप करना है, देन स्क्रॉल कर लेना है, और स्क्रॉल करने के बाद आपको डायरेक्ट मिल जाता है रियल साउंड टेक्नोलॉजी का एक फीचर, इसको सिंपली टैप कर देना है, ठीक है। और अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक सर्च बार मिलता है, सर्च बार में सिंपली टैप करना है, ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है सर्च भी कर सकते हैं रियल साउंड को, ठीक है। रियल आप जैसे लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा देखने को, तो आपको करना क्या होगा इस वाले फीचर को यहां से भी डायरेक्ट जो है ओपन कर सकते हैं। जैसे ये ओपन करेंगे तो यहां से आपको रियल साउंड टेक्नोलॉजी मिलता है, इसको सिंपली टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो रियल साउंड टेक्नोलॉजी का फीचर, इसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, मतलब जैसी यहाँ पे साउंड होगी वैसी यहाँ पे जो है साउंड का आपको क्वालिटी भी देखने को मिलेगा। जैसे कि सपोज दैट अगर आप यहाँ पे स्मार्ट पे टिक करते हैं और उसके बाद आप कोई गाना प्ले करते हैं तो आपको स्मार्ट तरीके से जो यहाँ पे जो साउंड उसकी क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। मूवी करते हैं तो मूवी में होता है ना, थिएटर में जैसे आप बैठे रहते हैं और उसमें साउंड को सुनते हैं, तो एज वैसी आपको यहाँ पे सुनने को मिलने वाला है। गेम करेंगे तो गेम में गेम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे म्यूजिक अपने आपको एडजस्ट मतलब आपको देखने मिलेगा, और म्यूजिक में करेंगे तो म्यूजिक में म्यूजिक का अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने जो है अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगता है उस अकॉर्डिंग जो है आप अपना यहाँ पे ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं रियल साउंड टेक्नोलॉजी वाले फीचर में। तो फिलहाल ये स्मार्ट पे टिक होगा तो आपका हो सकता है किसी भी उसमें हो, तो यहाँ पे आप जो है स्मार्ट पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप म्यूजिक में भी टिक कर सकते हैं, मतलब जिसमें आपको ठीक लग रहा है आप उस पर टिक करके जो है उसके बाद आप यहाँ पे म्यूजिक की क्वालिटी को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे स्मार्ट पे हमने टिक कर दिया, कहीं ना कहीं जो है इसकी क्वालिटी अब आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है कि रियलमी के कई सारे डिवाइसेज हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये फीचर शायद से मे बी ना मिला हो, अगर मिल गया तो काफी अच्छी बात है। जिन भी यूजर्स को नहीं मिला है, देखिए मैं उनसे एक यही चीज कहना चाहूंगा, देखिए हर एक सॉफ्टवेयर अपडेट में कई सारे फीचर्स जो है यहाँ पे मिस हो जाते हैं, मतलब रहते नहीं है, और ऐसे में टीम जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो है यहाँ पे वो फीचर ऐड करती है, बट ये भी कंफर्म नहीं रहता कि हाँ भाई ऐड होना ही होना। कुछ ही डिवाइस रहती है जिनको नहीं मिलता, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मिल जाता है, तो जिन यूजर्स को मिल गया वो डायरेक्ट जो है इस फीचर को जो है यूज कर सकते हैं, और जिनको नहीं मिला है तो ऐसे में उनको सॉफ्टवेयर अपडेट का वेट करना है, या फिर अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करेगा तो आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर कि भाई उनको इस फीचर का जो सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो अगर सपोर्ट का यहाँ पे रहता है चीजें तो वो जरूर से यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल जो है रिलीज किया जाता है। बाकी फिलहाल जिन भी डिवाइस के यूजर्स को दिया गया है आप ऐसे चेकआउट कर सकते हैं, ऐसे इनेबल कर सकते हैं भाई रियल साउंड टेक्नोलॉजी वाले फीचर को। तो होपली आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन रियल साउंड टेक्नोलॉजी को लेकर मिल गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।